ए रांझना, पल्लवी। माँ। अब इसको क्या हुआ? क्या हुआ? माँ। क्या हो गया है? माँ, छू मत मुझे। क्या हुआ है? क्यों? अरे बाबा, बोल रही हूँ ना, छू मत। माँ, 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 मेरी बात तो सुनो माँ। कितने दिनों से मैंने आपको टच नहीं किया। टच नहीं किया? इतने दिनों बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने माँ को टच नहीं किया। बुद्धू लड़का, हट यहाँ से, मुझे जाना है। मैं बूढ़ा जरूर हो गया हूँ, लेकिन आपका बेटा ही हूँ ना। बेटा हूँ। अरे बाबा, छू मत मुझे। मुझे अभी भोग तैयार करने जाना है। अरे भोग तैयार करना है तो क्या छू नहीं सकता? नहीं, भोग बनाने के लिए कपड़े। तूने कपड़े चेंज क्यों नहीं किए? हाँ, अभी भी उन्हीं कपड़ों में घूम रहा है। पूजा में मन नहीं है ना? मन लगेगा कैसे बड़ी भाभी? घर में कोई सुंदरी, शायद आपके प्यारे बेटे का सर चबा चबा कर खा रही है। शुरू हो गई पंचायती। मुंह थोड़ा बंद रखना रागिनी, पूजा के समय थोड़ी अच्छी बातें किया कर। तू क्यों खड़ा है? जा नहा के फ्रेश हो, जा धोती कुर्ता पहनना, ठीक है? सुन, अलमारी के राइट साइड में है, नहीं मिला तो गीत को गहना निकाल देगी। ठीक है, ठीक है। तूने भी तो साड़ी नहीं बदली। हाँ, फल काटने होंगे, आज अष्टमी है, इसके बाद संधि पूजा है। पूजा होगी ना? मतलब क्या कहा? ऐसे ही कहा, बस ऐसे ही। उफ, तू भी ना। रॉकी, ए रॉकी। मैं यही हूँ, बोलो। ए रॉकी सुन ना, किराने स्टोर में सामान की पूरी लिस्ट भेजी है, जरा मिला के ले। अभी जा रहा हूँ, ठीक है? जा। ओह हे पापा, अब इसको क्या समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में। अच्छा बड़ी बात है, क्या हुआ? क्या है? प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। चलिए ना, मुझे ना आप साड़ी चूज करने में मदद कीजिए। मेरे पास तीन साड़ियां हैं, तीन ऑप्शंस हैं, आप मुझे चूज करने में मदद। साड़ी चूज करने जाऊंगी, मुझे परेशान मत कर तू। और मैं क्यों चूज करूंगी साड़ी? जो आ रहे हैं वो चूज करके देंगे। जा अंदर जा। नहीं 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 नहीं। क्यों? उसके चूज करने से कैसे होगा? उसके आने से पहले मुझे सच तच के तैयार होके रहना होगा, जिससे आपके घर के दामाद का सर बिल्कुल चकरा जाएगा। दामाद का सर चकरा गया था इसलिए तो शादी हुई थी, वरना क्या शादी होती? उफ, तेरी शादी को लेकर जो नाटक हुआ। सचमुच बड़ी भाभी, आप नहीं रहते तो मेरी शादी कैसे हो पाती? आप नहीं होती तो सचमुच मैं सोच भी नहीं सकती क्या हो पाता। छोड़ 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 चलो ना साड़ी चूज करो ना, चलो ना। है, मेरे पास अभी समय नहीं है। कामिनी प्लीज, तू और परेशान मत कर। अच्छा ठीक है, तू कमरे में जा, मैं चूज करके दूंगी। जा। हाँ, सच में आती हूँ, कोई एक इंसान नहीं है मेरी मदद करने को, और अभी मैं साड़ी चूज करूँ। मैं मदद करूँ आपकी? मेरी? तुम मदद करोगी? हाँ, मतलब आप चाहे तो मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने सुबह सुबह नहाकर साफ कपड़े पहन लिए थे और अभी तक एक दाना भी नहीं खाया है। नहीं 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 नहीं, नहीं। तुम एक ढोली की बेटी हो, तुम पूजा पाठ का क्या काम करोगी? हाँ नहीं, मुझे बोलने दीजिए भाभी। भोग बनाने के लिए क्या चाहिए जानती हो? दीक्षा लेनी पड़ती है, पवित्र होना पड़ता है, और ये लोग रास्ते के भिखारियों जैसे रहते हैं। छी, क्या बोल रही है तू? तो ठीक से बात तक नहीं कर सकती है क्या? तुम आओ, आओ चलो मेरे साथ, चलो। रॉकी, क्या अष्टमी के बाद क्या है? संधि पूजा, और संधि पूजा में कोई ढोल नहीं बजना चाहिए। चाचू का आदेश है। क्या करूं? मंडप में एक कटर है ना, जिससे हम नारियल छीलते हैं। हाँ। उसी कटर से एक मार, बस बस, ढोल खत्म। जाता हूं। पर सावधानी से रॉकी, बहुत सावधानी से, किसी को कुछ पता भी ना चले। बड़ी भाभी, आप शायद नहीं जानती, मैंने इस जमुना को आपके बेटे के साथ छुपके बात करते देखा है। छुपके?
मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। जल्दी जल्दी करो, तुम लोग क्या कर रही हो? माँ, ओ माँ, क्या हुआ? माँ से क्या काम है? माँ कहाँ गई? माँ, माँ, माँ कहाँ गई? माँ को बुला ना, माँ को जाके बोल कि मैं कपड़े चेंज करके नहा के एकदम फ्रेश हो गया हूँ। कितने दिनों से माँ को प्यार नहीं किया, उन्हें टच नहीं किया। अरे माँ मुझे बिल्कुल भी भाव ही नहीं दे रही है। जब भी पास जाता हूँ बोलती है कपड़े नहीं बदले, तूने मुझसे दूर रह, ऐसा कह रही है। भैया, वैसे तू दिख बहुत अच्छा रहा है। सच्ची? हाँ बिल्कुल, जमींदार परिवार का बेटा लग रहा है। रूप गुण में बिल्कुल राजकुमार। और राजकुमार के लिए राजकन्या भी आ रही है, उसके बाद ही शहनाई बजेगी। अरे रुको रुको रुको, शहनाई बजेगी बाद में, पहले प्रपोज करूंगा, फिर वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद रिंग सेरेमनी होगी, उसके बाद एक रोमांटिक माहौल बनेगा, एंड देन। क्या रे तुम सब किधर हो? हाँ कोई दिख नहीं रहा? सुनो भैया चुप करो, बाबा आ रहे हैं। क्या रे क्या हुआ? हाँ यहाँ सब लोग बैठे हो और उधर भाभी अकेले भोग बना रही हैं, तुम लोग यहाँ बैठे क्यों हो? जाओ। अच्छा छोटे मामा, हम वहाँ जाके क्या करेंगे? बड़ी मामी के पास अभी बड़ी मामी की सबसे फेवरेट इंसान है। मतलब? नहीं नहीं मैं कुछ समझा नहीं, तू किसकी बात कर रही है? क्यों जमुना? हाँ सही कह रही हो, बड़ी भाभी उस लड़की को लेकर कुछ ज्यादा ही कर रही हैं। ज्यादा क्या किया है? हम में से कोई तब नहा के रेडी नहीं था, तो चाची इतना कुछ अकेले कैसे करेंगी? हाँ सब काम तो अकेली ही कर रही है। तुम सबको इतनी तरफदारी करने को किसने कहा? जो कर रही हो वही करो। प्लीज मुझे ये सब झगड़ा वगैरह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे माँ कहाँ है? और बाय द वे ये जमुना कौन है? संगीत, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? संगीत उधर तेरे बाबा तुझे बुला रहे हैं। बाबा क्यों बुला रहे हैं? अरे तेरे ससुराल वाले सब आए हुए हैं ना, तुझे ढूंढ रहे हैं, जा। और यहाँ क्या हुआ? तुम लोग क्या कर रहे हो? उधर तो तुम सबको भी बुलाया गया है, जाओ सब। माँ देख रही हो ना, काम कर रहे हैं। हाँ फल काट रहे हैं। हाँ, हाँ बहुत फल काट रही हो, काम भी बहुत सारा कर रही हो, ये सब बाद में होगा, जाओ उधर जाओ। अच्छा मल्लिका जी, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इन सबको लेकर जाओ। ठीक है। अरे चलो सब उधर, बहुत काम बाकी है। चलो गीत, माँ के पास चलेगी? नहीं तू जा। क्यों? छोड़ना भैया, तू तो बड़े दिनों बाद आया है ना, तू देखना हमारी माँ पहले जैसी नहीं रही। जिन्हें छोड़ के तू विदेश गया था ना, माँ वैसी नहीं रही अब। Thank you.
ए, इतना क्या सोच रहा है? बाबा तुझे बुला रहे हैं, चल चल चल। अच्छा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझे पूरे घर में ढूंढा, बाबा बीमार है, तुझे वहाँ होना चाहिए, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मेरे साथ ही था, कह रहा था सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया, उधर बाप बीमार है, साथ में छोटा भाई है, तुम पर बहुत जिम्मेदारी है, और सुना महाजन का भी पैसा बाकी है, यहाँ ढोल बजा के जो पैसे मिलेंगे उसी से महाजन का उधार चुकाओगी, खुद पे थोड़ा ध्यान दो, इतनी जिम्मेदारी है तुम पर। अरे बाबा, बड़ी मालकिन ने तो इजाजत दे ही दी है पूजा में ढोल बजाने की, तुम ऐसे ढोल बजाओ ताकि सब चौंक जाएं, सबको ऐसा लगे स्वयं माँ दुर्गा ढोल बजा रही हैं। जानती हो, इस घर में एक समय 108 ढोल बजते थे, उन सभी ढोलियों की बोली से तुम्हारी ढोल की बोली सबसे कड़क होनी चाहिए। हाँ दीदी, बाबा कह रहे थे मेरी बेटी ऐसा ढोल बजाए जिससे माँ दुर्गा कैलाश से पृथ्वी पर आकर आपको आशीर्वाद दे। हाँ गजा। मैं ऐसा ढोल बजाऊंगी कि हमारी किस्मत ही खराब है रे गजा, पर नहीं, अब मैं ये और नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ढोल बजाऊंगी जिससे संधि पूजा में चारों ओर धुन गूंजेगी, ऐसा ढोल बजाऊंगी मैं। ताकुर Thank you.
चलो, जमुना अब दफा होगी। ढोल भी नहीं रहेगा, ढोली भी नहीं रहेगी। सबको एक साथ बाहर निकाल कर फेंकूंगी, सबको। बड़ी भाभी कुछ ज्यादा ही चढ़ा रही हैं। मल्लिका, ए मल्लिका सुन। जी दीदी। कामिनी को देखा कहीं? कामिनी? यहाँ हूँ बड़ी भाभी। बोलो क्या हुआ है? सुन, मैंने भोग बना दिया है। बाप रे बाप, शुक्र है जमुना थी, अकेले इतना कुछ करना पॉसिबल ही नहीं था। सही है, जमुना ने ही तो सब कुछ किया है। अभी आपकी जमुना ही तो सब कुछ है, उसी ने तो सब किया है। हमने क्या किया है? आ, दीदी रहने दो ना ये सब कुछ। सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रही हैं आप? इसे तो हमेशा झगड़ा करना ही पसंद है, सिर्फ तीखी तीखी बातें इंसान के मन को हमेशा तकलीफ देती है। मैं तो सबको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन आप तो अपनी बेटी और पति दोनों को हर्ट कर रही हो। बड़ी भाभी, प्रॉब्लम क्या है? हा? क्या प्रॉब्लम है आपके और आपकी बेटी के बीच में? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप दोनों के बीच किस बात की कोल्ड वॉर चल रही है बड़ी भाभी? तुझे ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा कामिनी, तेरा पति कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक? आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। हे, आपने इतने लेट क्यों कर दिया? अब तुम्हें आने का समय मिला है। क्या करूँ बताइए, मोहल्ले में पूजा है ना, वहाँ रहना पड़ता है। और मैंने तो कहा ही था कि मैं अष्टमी के दिन आऊंगा। ये क्या, खाली हाथ क्यों? अरे ये तो हमेशा ही खाली हाथ आते हैं, इसमें नया क्या है? कामिनी जा, उसे अंदर लेकर जा, जा। ये क्या, हटा क्यों रहे हो? ओ, सच बोल दिया इसीलिए? दामाद की पॉकेट से कुछ भी नहीं निकलता। इतना बड़ा घर, इतने दिन हुई शादी हुए, पर एक प्रॉपर गिफ्ट भी नहीं लाए। चुप कर, ऐसे क्यों बोल रही हो? पिछली बार तो गिफ्ट लाया था ना आपने, तो वो साड़ी कभी पहनी नहीं, क्योंकि वह सस्ती थी। इसीलिए जितनी उनकी हैसियत है उसी तरह से तो गिफ्ट लाएंगे, है ना? तो हैसियत के हिसाब से ही शादी करनी चाहिए थी। क्या हो क्या रहा है ये सब? तुम सब चुप करो। कामिनी जा, इसको अंदर लेकर जा, गेस्ट आए हैं उनसे मिलवा दे, वहाँ आर्या के माँ बाबा आए हैं, जा। हाँ चलो चलो, तुम लोग जाओ अपना काम करो, जाओ। मैं भोग देख कर आती हूँ। और कुछ हो ना हो, बड़े भैया के दिल को अब ठंडक मिलेगी। हाँ, बड़े भैया की दुश्मन है वो जमुना, और मेरी भी। हाँ, और वो चाह रही है लंबा हाथ मारना। गजा चल। माँ की हेल्प की थी ना पूजा में?
मतलब भोग बनाने में माँ का हाथ बटा रही थी ना तुम? माँ तो तुम्हारी तारीफ करते थक नहीं रही है, तो इतना मक्खन क्यों लगा रही हो? टिप चाहिए क्या? ये लो पैसे। मैं तुम्हें टिप दूंगी रोज। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे लिए हमारे माँ बाप जो भी शादी तय करेंगे वो अच्छा ही होगा। मैं एक और बात को मानता हूं, और वो है खून, जिसे कहते हैं खानदानी खून। ये जैसा आपके परिवार में है, मेरे परिवार में भी है। इसीलिए तो दो परिवारों का संबंध बन पाता है। सारे लोग देखेंगे कि राय परिवार अभी खत्म नहीं हुआ है। बारात धूमधाम से निकलेगी, आतिशबाजी, बैंड, पालकी, सारी व्यवस्था रहेगी। मेरे घर की बहू पालकी से घर आएगी, रंग बिरंगी लाइटनिंग होगी, गरीब भोज होगा, क्योंकि हमारे बड़े बेटे की शादी जो है केदार राय के बेटे की शादी है। अच्छा ठीक है, ये सारी बातें अभी रहने देते हैं। आप लोग बताइए सगाई कब करना चाहते हैं? अब तो विजया के दिन ही होगी। हमारे यहाँ विजया के दिन एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, उस दिन ही सगाई होगी। बाबा आपने बुलाया मुझे? हाँ संगीत, ये है प्रताप जी, और ये प्रताप जी की वाइफ है। प्रणाम करो। क्या हुआ, पैर छू? क्या हुआ, जा पैर छू। जा संगीत। ठीक है बेटा, ठीक है। बाबा कितना सुंदर दामाद है मेरा, एकदम दामाद लायक चेहरा। बिल्कुल पिता सा शरीर और माँ का चेहरा मिला है इसे। डोंट वरी, हाँ डोंट वरी, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, सब सुना है। तुम इस जमाने के लड़के हो, तुम कुछ नया करना चाहते हो, समथिंग न्यू इन योर वॉक। डोंट वरी, उसके लिए जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। हमारे परिवार में पैसे की कमी नहीं है प्रताप बाबू। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अपने दामाद को कुछ तो दूंगा। 20-50 करोड़ मैं तुम्हारे नाम पर लिख दूंगा। मेरा फैमिली बिजनेस तुम देखोगे, मेरी इकलौती बेटी है आर्या। आर्या कहाँ है? ये आ गई हमारी आर्या। आजा बेटा आजा। क्यों संगीत, मेरी बेटी पसंद आई ना? ये क्या बोलेगा, ना पसंद आने का सवाल ही नहीं उठता। बहुत प्यारी लड़की है, इतनी पढ़ाई की है, नृत्य भी करती है मेरी बेटी।
माफी चाहता हूं प्रताप बाबू। इस घर की बहुएं नृत्य नहीं करती, वह हमारे परिवार के पुराने वाले घर में होता था। यहाँ की बहुएं नृत्य नहीं करती, ढोल नहीं बजाती, तबला नहीं बजाती, सिर्फ अपना घर संभालती है। हाँ, ये भी सही है। तू यहाँ क्या कर रही है? जी वो असल में बड़ी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया। तो यहाँ क्या कर रही है? जा अंदर जा। हर चीज में अपनी नाक घुसानी है, हा? हर चीज में तुझे दिलचस्पी है। सुन, तू ढोली की बेटी है, वहीं पड़ी रहेगी, जा। मैंने आपको अभी तो बताया, बड़ी माँ ने मुझे यहाँ बुलाया। तो अंदर से घूम कर जा, जा। जाती हूँ। छाया, छाया इधर आ, जल्दी आ। हाँ जी, क्या हुआ? उस पर तू नजर रखना, देखना खुद चोरी न कर ले। चारों तरफ महंगा सामान है, ये ठहरे फकीर। खाना भी नहीं मिलता इन्हें, नॉनसेंस। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही है, हैं? इस घर में तो किसी को इंसान मानते ही नहीं है, और तू ठहरी ढोली की बेटी। छोड़, जा जा, बड़ी माँ क्यों बुला रही है देख, पहले जाके बख्शीश देगी, बख्शीश। और सुन, पैसे वैसे लेकर यहाँ से चली जाना, यहाँ और मत रहना, यहाँ इंसान नहीं रहते। उस पर तू नजर रखना, देखना खुद चोरी न कर ले, ये ठहरे फकीर। खाना भी नहीं मिलता इन्हें। अभी ये सब बातें यहीं पर रहने देते हैं, उधर पूजा शुरू होने वाली है, हम सब वहीं पर चलते हैं, है ना? ये अच्छा रहेगा। वहाँ जाके माँ को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं कि दोनों परिवारों में सुख शांति बनी रहे। लड़का लड़की एक दूसरे को माता रानी के आशीर्वाद से अपने फ्यूचर का जीवन साथी चुने। आइए चलते हैं, प्लीज आइए, आइए। आओ चलते हैं। आइए ना, आइए। थोड़ी देर बाद जो होगा कोई सोच भी नहीं सकता। हे माँ दुर्गा, रक्षा करो माँ, राय परिवार की रक्षा करो। क्या हुआ, तू ऐसे यहाँ क्यों खड़ा है? संगीत, क्या तुझे ये शादी मंजूर नहीं? अच्छा, कोई दूसरी लड़की पसंद है क्या? ये कैसी बात हुई, वहाँ बुला रहे हैं आपको। अरे नहीं, सुनिए ना, दीदी बुला रही है।
तुली, तुली, एक लड़की, हाँ एक लड़की जिसने साड़ी पहनी हुई है, उस लड़की ने ढोल भी बजाया था, और वही लड़की एक सुंदर सा लॉन्ग गाउन पहनकर हमेशा इसी घर में रह रही है, वो है कौन, उसका नाम क्या है, वो कहाँ मिलेगी, मुझे बता सकती है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो मुझे उससे कुछ कहना है, अभी नहीं बोल पाया तो देर हो जाएगी। क्या बोलोगे? अरे तो जानती है नहीं, बताना। हाँ मैं जानती हूँ, वो उधर देखो उधर, अरे भैया वो तो गंगा डोली। उधर मतलब ढोली को खाना देने गई होगी ना, मैं अभी जाता हूँ। भैया, अरे भैया, अरे भैया, भैया गंगा डोली को खाना देने नहीं गई, वो गंगा डोली की बेटी जमुना डोली है। अरे भैया ने क्या बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या नहीं समझी तू? और भैया किसके बारे में पूछ रहे थे? जमुना ढोली के? हाँ। क्यों पूछ रहे थे? माँ को बताना पड़ेगा इस बारे में। बड़ी माँ, आपने मुझे बुलाया? आ। क्या हुआ बड़ी माँ, इतनी जल्दी में बुलाया, कोई गलती हो गई क्या? गलती तो हुई है। अब मैंने क्या गलत कर दिया बड़ी माँ? नहीं, हमने की है। इतनी प्यारी है तू, क्या तेरा कभी तैयार होने का मन नहीं करता? ये बात है, मैं तो डर ही गई थी। हमारे कैसे शौक, और वैसे भी मेरे शौक तो आपने पहले ही पूरे कर दिए थे ना। मुझे कितना सजाया आपने बड़ी माँ, कितना सजाया आपने मुझे। ढोली तो बस ढोल बजाते हैं, मंडप के कोने में पड़े रहते हैं, कोई मुड़कर भी नहीं देखता, बस जब ढोल बजाने का समय आता है तभी तभी ढोल में ताल पड़ती है, और तभी ठीक तभी लगता है जैसे अभी अभी पूजा शुरू हुई है, अभी दुर्गा पूजा हो रही है, दुर्गा पूजा। और वैसे भी आप तो दयावान हैं बड़ी माँ, आपने हमारे सर के लिए छत दी है, रहने की जगह दी है, और क्या चाहिए मुझे। छोड़िए सब, सुनिए अब आप बताइए आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। थोड़ी देर में पूजा शुरू हो जाएगी, मुझे बहुत काम है, पंडित जी अभी जमुना को ढूंढने लगेंगे। अरे बाबा चली जाना चली जाना, पहले थोड़ा तैयार तो हो जा। रुक। ओ बड़ी माँ, बड़ी माँ, अब और क्या सजाएंगी, रोज रोज इतना क्यों सजा रही है आप मुझे। ये क्या, ये तो बहुत महंगी साड़ी है बड़ी माँ, मैं ये मेरी साड़ी है समझी। उस रात को यही साड़ी पहनकर मैंने रेडियो स्टेशन में तबला बजाया था। ये बनारसी पहनकर? हाँ री, यही साड़ी पहन के। उसके बाद तो ससुराल में भूकंप आ गया, मेरे ससुर जी ने मेरी शक्ल तक नहीं देखी, और परिवार में सभी छी छी करने लगे, मेरे मुंह पर थू थू किया, बोले घर की बहू तबला बजाती है, मुझे उल्टा कहा। ये बहुत सालों पुरानी बात है, असल में तब तो घर की बहू बेटियां उतना घर से बाहर निकलती नहीं थी ना, बहुत नियम कायदे थे, और उस समय मैं अपने बाबा का हाथ थाम के तबला बजाने गई थी, सबने बहुत तारीफ की थी, पता है बहुत नाम हुआ था मेरा, और परिवार वालों के मन में सिर्फ नफरत थी, सिर्फ नफरत ना,
इस परिवार की किसी बहु बेटी ने गाने बजाने और नाचने में कभी हिम्मत नहीं दिखाई। तूने इतने सालों बाद इस बात की हिम्मत दिखाई है, माँ दुर्गा के मंडप में ढोल बजाया है। ये साड़ी पहन के मैंने तबला बजाया था ना, सब गुणीजनों ने मुझे आशीर्वाद दिया था। चाहे इनकी नजर में मेरी वो कला बुरी थी, उससे मैं उल्टा बन गई थी। मेरे पति ने मरते दम तक मेरा चेहरा नहीं देखा। बड़ी माँ, नफरत करते थे, बहुत नफरत करते थे। बड़ी माँ, आप रोइए मत, बड़ी माँ, मत रोइए बड़ी माँ। नहीं रे, रो नहीं रही, ये तो खुशी के आंसू हैं। आज एक और लड़की ने इतने सालों बाद मेरे जितनी हिम्मत दिखा के इस घर के पुराने जमाने के सारे रीति रिवाजों को तोड़ के फेंक दिया, माँ दुर्गा के मंडप में ढोल बजाया है। ये साड़ी तो उसी के लिए है, ये साड़ी तू ही पहनेगी, साड़ी पहन के तू ढोल बजाएगी। हाँ, आ आ, मैं तुझे तैयार करूं, आज आ मेरे साथ। वाह, ब्यूटीफुल, दुनिया की सारी सुंदरता जैसे तुम्हारे अंदर समाई। योर आईज़,